हेलो फ्रेंड्स, अमेज़ॉन से मैंने मेरे डिश वॉशर के लिए टैबलेट मंगाई है फिनिश की, जो मुझे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट में पड़ी है। तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर की है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ इसका रिनसेट की भी लिंक मैंने दी है और कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। और ये जो टैबलेट है उसका डेमो भी मैं आज देने वाली हूँ कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो यहाँ पे 90 टैबलेट है, ये ट्रिपल एक्सेल के फिनिश की टैबलेट है। तो ये मुझे 965 में पड़ी है, मतलब ईच टैबलेट, एक टैबलेट का 10 से 11 रुपए के बीच में कॉस्ट आता है। तो मतलब बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 टैबलेट्स। तो ये आपको 965 में 3 महीना चलेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही रिजनेबल है प्राइस इसकी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वर्थ है कि नहीं है। तो ये टेबलेट देखो इस तरह से है, इसमें जो बीच में वो रेड वाला बॉल आता है रिनसेड का, वो नहीं है। तो इसमें सॉल्ट भी हमें ऐड करना होता है और रिनसेड भी इसमें ऐड करना होता है। पर रिनसेड आपको 250 रुपीज़ का 1 महीना चल जाएगा, तो इसको आप अलग से बाय कर सकते हो। और इसमें भी मैं दूसरी ब्रांड के भी दे दूंगी लिंक आपको, तो वो आपको एकदम रिजनेबल प्राइस में अच्छी ब्रांड भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन आप देख सकते हैं, डिश मेरी बहुत ही चिकनी चिकनी है क्योंकि इसमें मैंने घी वाला खाना रखा था। तो वो क्लीन होती है कि नहीं ये टेबलेट के बाद, ये हम देखेंगे आज। तो यहाँ पर मैं ये टेबलेट ले रही हूँ और इसका पैकेट हमें खोल के डालना होता है क्योंकि वो हार्ड वाला प्लास्टिक है थोड़ा सा। तो ये एक टेबलेट डाल देती हूँ मैं और डिश वॉशर को बंद कर देती है और मैंने इसको चालू कर दिया है, जो मैं जिस मोड पे रखती हूँ इको मोड पे, उसी में ही। और सुबह में मैं ये खोल रही हूँ, आप देख सकते हैं इतना क्लीन नहीं हुआ है और पानी भी बहुत सारा इसमें दिख रहा है क्योंकि वो सुबह में खोल रही हूँ तो भी इतना पानी है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं वापस वही टेबलेट दूसरे दिन रख रही हूँ और ये है फिनिश का रिनसेड। तो ये मेरे डिश वॉशर के साथ ही आया था, तो मैं इसमें 10 ml इसके अंदर डाल देती हूँ एक वॉश के लिए। तो ये डालने के बाद हम देखते हैं कि बर्तन जो है वो एकदम क्लीन और ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिश जो है वो एकदम ड्राई हो गई है और स्पार्कलिंग क्लीन हो गई है और अच्छी हो गई है। तो शाइन भी इसमें अच्छी दिख रही है। तो ये टैबलेट डेफिनेटली अच्छी है, पर इसके साथ आपको रिनसेड यूज़ करना होगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।